नमस्कार, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और मैं हूं आपके साथ। खबर देवास से। इंसान की अंतिम यात्रा जहां पर पहुंचकर उसे मुक्ति मिलती है, वहां भी लूटमार मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं शहर के मुख्य मुक्ति धाम की, जहां पर कंडे को लेकर 83 से ज्यादा मृतक के परिजनों से वसूली की जा रही है, जिसको लेकर नगर निगम के कर्मचारी ही शिकायत कर रहे हैं। इधर नगर निगम के जिम्मेदार लोग इसकी जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दरअसल मुक्तिधाम में कंडे और लकड़ी की व्यवस्था का टेंडर नवरंग देवास जिला कल्याण समिति को दिया गया है। टेंडर के अनुबंध के अनुसार एक कंडे के मूल्य ₹9 तय किए गए हैं, जिसका भार 2 किलो और लकड़ी ₹500 प्रति क्विंटल स्वीकृत की गई थी, लेकिन टेंडर होने के बाद भी कंडे के रेट ₹10 नगली जा रहे हैं। अब जिम्मेदार शिकायत मिलने पर कंडे और लकड़ी के रेट मुक्तिधाम पर अंकित करने की बात कर रहे हैं। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। भैया जो बताइए, मुक्तिधाम का क्या मामला आया है? मुक्तिधाम पर अभी वर्तमान में दाह संस्कार थोड़ी अधिक मात्रा में हो रहा है, इससे सामान्य डेट भी हो रही है। तो कोविड के लिए अपन ने अर्जुन नगर आला कांकड़ मुक्तिधाम किया है, वहाँ पर भी अमलकाज या MGC जो आती है तो वहाँ पर किया जाता है। ये बताइए, दरों जो वहाँ पर आपके कर्मचारी से टेंडर हुए थे, जैसा कि टेंडर होने के बाद जो दरें प्राप्त होती है, उस दर से जो है कंडे दिए जाना रहता है। अब जो नया टेंडर हुए हैं, जो नई जो फर्म है संस्थान में, उसमें अगर ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि अगर वो ₹9 का है या ₹10 का है और वो ₹1 बढ़ा करके दे रहा है, तो इस चीज़ को वरिष्ठ हमारे अधिकारी के बीच में रखेंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो नियम अनुसार जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी करेंगे, और इसका जो है अभी वरिष्ठ से संज्ञान में लाकर इसकी जाँच भी कराएंगे। उमेश चतुर्वेदी, PRO नगर निगम देवास। आपने अभी तक TNT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।